है, वी हैव नीत, वी हैव प्रांतिका, वी हैव चंद्रानी एंड ध्वनि ऑन द स्टेज। थैंक यू। यहाँ पर परिवार वालों को और फ्रेंड्स को इम्प्रेस करने का पूरा सिलसिला शुरू भी हो गया। बिल्कुल नहीं, एकदम गर्ल्स आर एट इट। बहुत ही जिसे कहते हैं ना सुशील और संस्कारी हैं हमारी सारी राजकुमारियाँ। ये तो बनना ही था, ये तो होना ही था। बड़ी दीदी आई हैं, अच्छी फ्रेंड आई हैं, तो उनसे मिलना तो बनता है। गर्ल्स यू आर लुकिंग एब्सोल्युटली स्टनिंग। सो नीत, सिंस यू आर हियर ऑलरेडी बिफोर द गर्ल्स जॉइन अस, टेल अस कितने एक्साइटेड हो आप इस शो के लिए। हाउ एक्साइटेड, व्हाट आर यू फीलिंग, आर यू फीलिंग नर्वस? जी ऑफ कोर्स, हाँ श्याम यू कैन ऑल्सो, या परफेक्ट, गो फॉर इट नीत, परफेक्ट। अच्छा नजारा चाहिए हमें वहां से, परफेक्ट। हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आई एम सो ग्लैड, आई एम सो हैप्पी एंड एक्साइटेड। पंजाबी दीदी वहां पे स्पेशल दीदी, तंग मत करो ना लड़की को, एकदम जसविंदर जीवन नहीं बोलने दो बेचारी को। सो बहुत 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 अच्छा लग रहा है। डेफिनेटली मैं ये कहूंगी कि जो एक सपना था वो आज हकीकत में बदलने जा रहा है। सो आई थिंक इतनी ज्यादा एक्साइटेड हूं मैं। और मीका जी के लिए कुछ बोलना चाहूंगी। मेरा इश्क ले गया मुझे खुदा के करीब, मेरा इश्क ले गया मुझे खुदा के करीब, आपको पाने की जिद में सजदे बढ़ गए। वाह। सो मीका जी, बस मैं यहाँ पे आई हूँ आपका दिल जीतने और आपके दिल में जगह बनाने, और आई होप आपको ये पंजाबी कुड़ी से प्यार होगा डेफिनेटली, और आई लव यू। ओह, आई लव यू टू, थैंक यू सो मच। एंड चंद्रानी, कैसा महसूस हो रहा है? हाउ एक्साइटेड आर यू, क्या फीलिंग्स हो रहे हैं पेट के अंदर? सबसे पहले सबको प्रणाम। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, ऊपर से बहुत नर्वस भी हूँ। मेरे सामने, मतलब मैं कभी सोची भी नहीं थी कि इन लोगों के सामने मैं बैठी हूँ। एंड देन मीका जी जो एक होते हैं वो किंग है, और वो ऐसे क्वीन तलाश कर रही है जो एक नॉर्मल लड़की है। तो मैं उसके लिए हूँ कि मैं एक नॉर्मल लड़की होके भी एक किंग के सामने खड़ी हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आशा करছি আমি তোমাকে খুব খুব ভালোবাসবো। চন্দা চাঁদ, আমি তোমাকে খুব ভালোবাসি। मैं बताना चाहूंगा इनका रियल नेम चंद्रानी है, तो मैं इनको प्यार से चांद बुलाता हूँ। चांद, अभी तुम्हारे खूब बालोबाशी। एंड वो जो पहले हमारे सरदार नहीं है, हर नेम इज नीत मेहर, तनु मैं सच्ची बहुत प्यार करता हूँ। चंद्रानी, चाहती हूँ मैं आपके साथ चलना, जितनी भी छोटी मोटी भूल चुक भी हो जाए या फिर जितनी भी प्यार मोहब्बत के टाइम जाए, तो बहुत अच्छे से सफर कटे और शायद आपके साथ रहो हमेशा। चंद्रानी, आपने ये कहा कि आप एक नॉर्मल लड़की हो, बट लेट मी टेल यू द फैक्ट दैट आप यहाँ पर इस स्टेज पर इस शो का हिस्सा हो, दैट प्रूव्स यू आर नो लेस देन अ क्वीन, सो यू आर अ क्वीन। अगर मीका ये किंग है, आप भी क्वीन ही हो। थैंक यू सो मच। ओके, ओवर टू यू प्रांतिका, प्लीज टेल अस मीका जी के बारे में, आपको सबसे अच्छी चीज क्या लगती है? फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्ते टू एवरीवन, आई एम प्रांतिका। और मीका जी के बारे में ऐसा एक कोई चीज नहीं है, आई कांट पॉइंट आउट वन थिंग दैट आई लाइक अबाउट हिम, क्योंकि काफी सारी चीजें हैं। मुझे लगता है मुझे हर एक चीज से प्यार है, तो ऐसा नहीं है कि कोई एक चीज आई रियली कांट पॉइंट आउट, आई एम सॉरी, पर मुझे हर एक चीज से प्यार है। एंड अबाउट द फैक्ट कि एक इंसान जो यहाँ है मीका सिंह द किंग होने के बावजूद भी, ही इज सो ग्राउंडेड, सो हम्बल, ऐसे इंसान शायद बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो मुझे लगता है अबाउट द फैक्ट कि मैं उनको जान पाई यहाँ पर आके, आई फील ग्रेटफुल टू गॉड। आई थिंक भगवान का बहुत ज़्यादा आशीर्वाद है, मम्मी पापा का आशीर्वाद है कि मैं आज यहाँ हूँ। और मुझे लगता है कि अगर कोई भी लड़की आप जैसे इंसान को चाहेंगे अपनी पार्टनर एज अ पार्टनर, सो मुझे लगता है कि इफ यू चूज मी,
আমি তোমাকে খুব ভালোবাসবো। আমি তোমাকে খুব ভালো এন্ড আই অলওয়েজ মিস করেছি। আমি তোমার এখানে দাঁড়িয়ে মিস করছি। আই ওয়ান্ট টু গো देयर। ক্যান আই? নেই নেই, আমি ঘোড়া রুকলো। ওকে। ঠিক আছে। টাইম হয় উসকে লিয়ে। এন্ড প্রান্তিকা, আই এম শিওর ইয়াহ পে বেঠে জিতনে ভি লোগ হো হ্যায় ওয়ো আপসে কমপ্লিটলি সহমত হোগে কি মিকা বাজি কো জো সাদগি হ্যায় না অর জো হিউমিলিটি হ্যায় উসসে সবকো এসে হি প্যার হো জাতা হ্যায়। অ্যাবসলিউটলি। অ্যাবসলিউটলি। এন্ড নাও আই এম মুভিং টু ইয়োর ধ্বনি। আপকো মিকা বাজি কে বারে মে সবসে অচ্ছি চিজ কিয়া লাগতি হ্যায়? हेलो एवरीवन, नमस्ते। मेरा नाम है ध्वनि और मिका जी के बारे में क्या कहना, उनकी सारी चीज़ें मुझे बहुत पसंद है, लेकिन उनकी सबसे बेस्ट जो क्वालिटी है, आप उन्हें देखो, देखो ऊपर से नीचे एकदम स्वैगर डूड एंड ही इज द बेस्ट राइट द किंग, बट अंदर से उतना ही उनका दिल मोम जैसा है। उनका जो फाउंडेशन है डिवाइन टच, जिसके थ्रू वो इतने सारी वुमेन्स की मदद करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है वो इतने सारी लड़कियों के अगर फादर फिगर, ब्रदर फिगर या फ्रेंड जैसे अगर बनते हैं, तो फिर अपनी पार्टनर के साथ कितने सेंसिटिव और सेंसिबल रहेंगे। सो आई लव यू मेगा जी, एंड तुसी खूब सोने लग रहे हो। ध्वनि, एक बार वो राजस्थानी शहर में बोलो ना, चोको क्या? खूब चोको लग रही है। तू भी खूब चोकी लग रही है। थैंक यू। तो मैं चाहूंगा ध्वनि, एक बार हमारे जो मीडिया वाले आप सभी को प्यार करने लग गए हैं, आई एम श्योर और प्यार करेंगे। ध्वनि बहुत ही टैलेंटेड लड़की है, शी इज ए ग्रेट सिंगर एंड साथ के साथ ये थोड़ी थोड़ी मिमिक्री करती है, लेकिन मेरी आवाज निकालती है, वो मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी आवाज निकालो। आई थिंक हमें बहुत सुनना है ना, तो मैं चाहूंगा एक बार कंगना की आवाज में आप सबका वेलकम कर दो। ओह माय गॉड, मेरे सामने इतने सारे प्रेस वाले बैठे हैं और मेरे अंदर सडनली कंगना आ जाए कि डोंट वरी, आई एम नॉट गोइंग टू से एनीथिंग टू यू गाइस। एंड पिका जी, आई जस्ट वांट टू से दैट आप बहुत ही स्वीट है और मुझे आप बहुत ज्यादा पसंद है, एंड आई एम जस्ट हैप्पी दैट आई एम हियर राइट नाउ। एंड शान जी, आप उधर जो मुस्कुरा रहे हैं ना, मुझे अच्छा लग रहा है, प्लीज मुस्कुरा। ओह माय गॉड, दैट वाज इनक्रेडिबल। ध्वनि, एक बार तालियां हो जाए यार। ध्वनि, मैं स्पेशली आप चारों को वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। यू ऑल आर लुकिंग वेरी गॉर्जियस, वेरी ब्यूटीफुल। मुझे बोलने को नहीं कहा गया, लेकिन अभी मैं दिल से मेरे मतलब आवाज निकल रही है, आप लोगों को बोलना ही है। और स्टार भारत इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है जो स्वयंवर मिका जी के लिए रच रहा है, उसमें मैं कहूंगी कि आप में हर एक वो प्यारी 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 क्वालिटीज हैं, और वो आप मिका जी में भी ढूंढ रहे हैं। और मैं बस ऑफकोर्स एक दोस्त के नाते मैं आप सबके पल्लू तो ऐसे पकड़ नहीं सकती हूँ, बट आई वुड जस्ट से दैट ध्वनि, ऑफकोर्स आपके ख्यालात नहीं, आपके तो अभी से आउटफिट भी मिल रहे हैं, तो अभी आगे पता नहीं क्या क्या चीजें होने वाली है। आई कैन सी अ स्पार्क बिटवीन यू टू। ऑफकोर्स आई मीन आई वॉन्ट टू कंग्रेचुलेट एंड विश ऑल द बेस्ट टू एवरी वन जो भी राजकुमारियां यहाँ पे आने वाली है, एंड मे यू ऑल हैव अ ब्यूटिफुल लाइफ अहेड, जो भी होगा रिजल्ट। बट मैं चाहूंगी कि आप यहाँ पर ऑफकोर्स इतने बड़े मंच पर आए हैं और अपना प्यार जाहिर करने आए हैं मिका जी के लिए, तो बस मैं यही कहूंगी कि खुले दिल से और जो भी आपके मन में आए, आप बिल्कुल दिल खोलकर बात कीजिए, खोलकर खुलकर एक्सप्रेस, दिल खुलकर एक्सप्रेस कीजिए।